यार जी भाई, कोई इंसान ही नहीं है तो एआई। बियर्ड गाइस, गुजराती लोगों ना बियर्ड होता है, तो मैं मेरे एक मिनट थोड़े मोटे हो गए कि नहीं हो गए, तो देखो आप गुजराती हो। हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, एंड आज के वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं टोटल गेमिंग के एक ऐसे वीडियो पे जिसने सबको सोच में डाल के रख दिया है कि इस टोटल गेमिंग ने फेस रिवील में ऐसा क्या मिस्टेक किया जिसके बाद उनको ऐसा वीडियो बनाना पड़ गया। चलिए साथ में देखते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं ऐसा क्या मिस्टेक है जिसके लिए टोटल गेमिंग रिग्रेट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। और बार आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में, और ये वाला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वाला वीडियो है जब मैंने फेस रिवील नहीं किया था उससे पहले का। क्योंकि जब मेरा फेस रिवील होने वाला था ना, तब मैंने सोचा था मैं अमित भाई, ईशान भाई और रोनी भाई से फेस रिवील से पहले ही मिलूंगा होटल में। मेरा मुंबई में शूटिंग था तो मैंने इन सबको मिलने से पहले बोला आप लोग एक काम करो, एक गेस करता हुआ वीडियो बनाओ जिसमें आप लोगों को गेस करना है कि मेरा स्किन टोन क्या रहेगा, स्किन टोन भी ठीक है, मेरा एज क्या रहेगा, मैं मैरिड हूँ अनमेरिड हूँ या मेरा वेट कितना होगा। लाइक ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि रेसिस्ट नहीं है, वरना आजकल वीडियो बनने लगते हैं। मतलब मैं मोटा हूँ कि पतला हूँ, हालांकि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, बट वो गेस वाला गेम खेलना था और उसके बाद तुम लोग मेरे को मिल सकते हो। तो इन लोगों ने मेरे को मिलने से पहले ही एक वीडियो बनाया और वो वाला वीडियो मेरे को सेंड कर दिया। आज मैं वही वीडियो देखने वाला हूँ कि उन लोगों ने मेरे को मिलने से पहले क्या गेस किया था, क्योंकि जब ये लोग मेरे को मिले तब टोटली शोक थे। और एक बंदा शोक नहीं था, रोनी भाई शोक थे, फौजी भाई शोक थे, अमित भाई शोक थे, सब लोग शोक थे, क्योंकि मेरे ख्याल से इन लोगों ने गेस वाला जो वीडियो बनाया उसमें कुछ तो गलत बोला होगा और उसी वजह से सब लोग शोक थे। क्योंकि जब मैंने अपना एज बताया कि मैं 21 साल का हूँ, उसके बाद सब लोग ऐसे, भाई सीरियसली रोनी भाई मेरे को बोल रहे तुम तो 18 19 साल के दिख रहे हो। तो हाँ, आज के इस वीडियो में लोग उसी चीज के ऊपर रिएक्शन, 18 19 साल का मुझे भी ऐसे ही लगा था, देने वाले है कि क्या मुझे, मैंने कभी गाइस कभी नहीं सोचा था टोटल गेमिंग एक बच्चा निकलेगा, आई मीन मतलब इतने का भी जो गेस किया था वो सही था या नहीं था। और चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और क्या, तो सबसे पहले हम लोग रोनी भाई के कारनामे देखने वाले हैं कि रोनी भाई ने क्या गेस किया था और वो इतना शॉक क्यों थे जब मेरे को मिले थे। तो उन्होंने गेस में कुछ तो गलत बोला है, आ जाओ स्टार्ट करता है वीडियो को। सो गाइस, मैं कल अज्जू भाई से पहली बार मिलने वाला हूँ और अज्जू भाई चाहता है कि मैं गेस करूँ कि अज्जू भाई कैसे दिखता है। मतलब मैंने अभी तक अज्जू भाई का शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखा है, मुझे अभी तक बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं बंदा दिखता कैसा है, बंदा क्या है, बंदा भी है कि नहीं, बंदा भी है कि नहीं मुंबई बुलाया, मैं मुंबई आया और मैं जब मुंबई आने के बाद आपको कॉल करने वाला था तब मैं सोच रहा था कि आप कॉल उठा के बोलोगे कि ये प्रैंक था तू घर पे चला जा, तो लाइक ये हुआ है, सच में हुआ है। बाकी देखते हैं गेस क्या किया है इन्होंने। इंसान ही नहीं है तो एआई है, मेरे को नहीं पता, मैंने बंदे को नहीं देखा है, मैंने खाली इसका आवाज सुना है, तो मेरे को अभी गेस करना है कि अज्जू भाई कैसा दिखता है। सो अज्जू भाई का हाइट कितना होगा, मुझे पता नहीं क्यों पर मेरे को ऐसा लगता है कि अज्जू भाई का हाइट शायद से मतलब मेरे थोड़ा आसपास होगा। गेस करो मैं 6 फीट के आसपास हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अज्जू भाई 5'10" 5'11" मतलब हो सकता है, पर अगर अज्जू भाई ऐसा 6 6.5 7 8 फीट का निकला तो भाई रोनी भाई का हाइट 7 8 फीट का इंसान है ना, बहुत ज्यादा है। और मैं रोनी भाई से थोड़ा हाइट में छोटा हूँ, मेरा 5'10" है, तो हाँ काफी क्लोज था। तो इसका रोनी भाई को एक गेस का एक पॉइंट तो बनता है, ये गेस आई थिंक सही है क्योंकि 5'11" भी 5'10" से काफी क्लोज ही है, तो इस वजह से। बाकी देखते हैं क्या अज्जू भाई मोटा है या पतला है ये क्या सवाल है भाई भाई ये बहुत अजीब सवाल है। देखो एज अ फेलो गेमर जो दिन भर गेम खेलता है, घर से बाहर नहीं जाता है, जो मैं जानता हूँ अज्जू भाई भी है दिन भर गेम खेलता रहता है घर बैठ के, बट नहीं यार अज्जू भाई बाहर जाता है। नहीं मैं नहीं जाता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ, मतलब ठीक ठाक होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो मैं दिन भर घर बैठा रहता हूँ तो मैं मोटा हूँ, मुझे पता नहीं अज्जू भाई के बारे में, आई थिंक नहीं होगा, अज्जू भाई बाहर जाता है, मेरे को जितना पता है वो जाता रहता है, मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकलता हूँ, बाहर जा रहा हूँ, बाहर काम है, तो आई थिंक बट बोल नहीं सकते गेमर गेमर लोग का बोल नहीं सकते, गेम खेलो खाओ और मोटे हो जाओ, दैट्स इट। नहीं भाई मैं मोटा नहीं हूँ, बट हाँ मैं घर से भी बाहर नहीं निकलता, ऐसा नहीं है सारे गेमर्स मोटे नहीं होते, लाइक सारे गेमर्स नहीं मोटे होते हैं ना, मैं दूसरों को फैट शेम कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद मोटा हूँ, ठीक है तुम लोग नहीं, सारे गेमर्स मोटे नहीं होते हैं। देखो गाइस मैं भी रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। अभी देखते हैं और क्या गेस करने वाले हैं रोनी भाई। अज्जू भाई का एज कितना होगा, यार एज आई थिंक मेरे को मतलब मेरे को लग रहा है मैं एज अच्छा गेस कर लूंगा, आई थिंक सो अज्जू भाई का एज कुछ 25 27 भाई, आई थिंक 25 27 के बीच होगा, 25 27 भाई यार 25 27 25 27 इन्होंने इतना गेस करके रखा कितना ज्यादा। इस वजह से ना मैं वही सोचूं रोनी भाई जब मेरे को मिले मेरे को एज पूछा और उसके बाद सदमे में क्यों है,
बट वो गेस करके आए थे कि मैं 25-27 का, भाई मैं 27, मुझे 18 साल के लगते हैं या 25 साल का दिखता हूँ क्या? और मेरे को मिलने के बाद रोनी भाई खुद बोलते हैं, अज्जू भाई तुम तो 18-19 साल के लगते हो यार। मैं बोल रहा हूँ मैं 21 का हूँ तब भी मेरे को बोल रहे थे, और यहाँ पे गेस करके आए 25-27 साल। चश्मा पहनता है कि नहीं पहनता है? आई थिंक पहनता होगा, मतलब पूरा दिन नहीं पहनता हूँ, देखते रहते चश्मा लग ही जाता है, मेरे को भी लग गया। मैं ब्लू लेंस वाले गॉगल्स पहनता हूँ, मैं दिखाता हूँ, ये वाले गॉगल्स मेरे पास है, ये मैं कभी कभी पहनता हूँ, बहुत नहीं पहनता, बट पूरा दिन अगर मैं रात को गेम खेल रहा हूँ लाइक रैंक पुश कर रहा हूँ 24 आवर, तब मैं पहनता हूँ, बाकी नहीं पहनता हूँ भाई। नहीं मेरे को तो बहुत 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 साल पहले लगा था, बट आई थिंक चश्मा पहनता होगा, आई थिंक। नहीं नहीं पहनता हूँ भाई। रोनी भाई आपका ये वाला गेस गलत है। अज्जू भाई कहाँ से है? क्या अज्जू भाई अहमदाबाद से है या अज्जू भाई कहीं और से? मैंने हर बार अहमदाबाद ही बोला और बापूनगर बोला, बाकी मैं सूरत से हूँ। ओके दोस्तों आप बात को समझो, क्योंकि मेरे को अपने आप घर पे आ जाते को छिपाना था, वरना लोग पहचान लेते यार, लोगों को वैसे भी शक होता है आवाज सुन के कि भाई यही अज्जू भाई, और मेरा आवाज एक ऐसा आवाज है जो काफी यूनिक है, तो इस वजह से ना अगर मैं बातचीत भी कर रहा हूँ तब भी पकड़ा जाता हूँ कि तुम अज्जू भाई जैसे साउंड करते हो, राइट? तो इस वजह से मैंने बापूनगर और अहमदाबाद बोला था, उसके लिए सॉरी यार, दिल से सॉरी। अरे माफ कर दिया, आपके लिए तो सात खून माफ है। अभी ये सवाल पूछा है तो मेरे को लग रहा है कि इधर और से भी हो सकता है, बट नहीं यार अहमदाबाद ही होगा। मतलब पता है चुना लगाने के लिए यहाँ से था बोलने की, वो अहमदाबाद के बाजू वाले शहर से था। नहीं, बाजू में तो नहीं है सूरत, इतना बाजू में नहीं है सूरत, कल्याण ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मुंबई बोल के अहमदाबाद के बाजू में वडोदरा है, तो मैंने ऐसा तो नहीं बोला है, अहमदाबाद वडोदरा उसके बाद सूरत है। नहीं नहीं मुंबई नहीं, मैं कल्याण से ऐसा अज्जू भाई कर सकता हरकत है। नहीं भाई ऐसा मैंने नहीं किया है। क्या अज्जू भाई का रियल नेम अजय? आई थिंक सो, आई थिंक सो नाम अजय। पर पता है मेरे को भी डाउट आ रहा है, जब ये सवाल पूछा कि क्या अहमदाबाद से है या नहीं है, क्या रियल नेम अजय है या नहीं है, तभी मेरे को डाउट आ रहा है कि शायद से नहीं होगा। बट जहां तक मेरे को लगता है, मतलब इन सवालों से पहले तक अगर तुम मुझसे पूछोगे तो यस, अज्जू भाई का रियल नेम अजय है और अज्जू भाई अहमदाबाद से, बट ये सवाल देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि नहीं, येड़ा बना है, मेरे को लग रहा है कुछ तो अलग होगा। बिल्कुल मेरा रियल नेम अलग है और अजेंद्र अज्जू भाई और अजय ही है, और रियल नेम तो अजेंद्र है, बट तुम लोग मेरे को ना अजय या अज्जू भाई बोलो, वो मेरे को बेटर लगेगा। इमेजिन कल अज्जू भाई मेरे को मिलता है और बोलता है मैं तो गुजरात से है ही नहीं, मैं तो ऐसे ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज अज्जू भाई की आवाज से कोई भी बोल सकता है वो गुजराती है, मुंबई में रहता है, उनके आवाज से लगता है, तो ऐसे नहीं बोल सकते वो मुंबई के हैं, तो साफ साफ लोग कह देंगे घर के बाजू में रहता है। इतना झूठ नहीं बोला है मैंने। ओ भाई तो यहाँ पर रोनी भाई के गेस होते हैं खत्म, और बाकी मैंने एडिटिंग के टाइम पे ना मैं ऊपर पॉइंट लिख दूंगा कि कितने गेस गलत थे कितने सही थे। आई थिंक रोनी भाई के 2 गेस सही थे, बाकी सब गलत थे। और हाँ मेरा नाम वाला जो गेस था वो भी काफ़ी हद तक क्लोज आ गए थे कि भाई अलग हो सकता है रियल नेम, तो हाँ वो एक वाला गेस भी सही है। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हम लोग ईशान भाई और ईशान भाई के भाई विकास भाई का गेस, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी शौक थे मेरे को मिलने के बाद, और मुंबई में वही दोनों भाई थे जो मेरे को सबसे पहले मिले थे, तो आ जाओ वो लोग तो काफी शौक थे, तो उनका भी देखते हैं कि उन लोगों ने क्या गेस किया है। तो भाई तेरे को क्या लगता है टोटल गेमिंग का हाइट कितना होगा? अज्जू भाई तो बोलो यार, तुमने देखा? नहीं देखा भाई। विकास भाई एकदम मस्त प्रिटेंड कर रहे हैं कि अज्जू भाई को देख के आया हूं। ऐसा भाई तेरे से ना थोड़ा सा ऊंचा है, लंबा नहीं है, यहां पे तेरे से छोटा होगा भाई, ऊंचा है। मैंने देखा है, कलर बता, गोदा होगा या काला होगा? अपने जैसा है, मुझे लगता है ना मेरे से भी मेरे से भी भाई यार, इन दोनों को सीरियसली मैंने पूछा था कि तुम दोनों जब रिकॉर्डिंग करो ना तो सीरियस वाला रिकॉर्डिंग करके भेजना, बट इन दोनों ने फन वाला किया रिकॉर्डिंग। देखो मैं बाहर से हूँ, मतलब अमरीका से, हद हो गए भाई, क्या बोले अभी भाई। मैंने देखा है वैसे, तू बता अपने जैसा मोटा होगा या कुछ और पतला होगा? ये विकास भाई मोटे है क्या? मेरे को विकास भाई कहीं से भी मोटे नहीं लगे। हाँ मुझे भी मोटे नहीं लगे, बट हाँ अंदर से पता होता है ना उनको, जो उनकी टमी निकल रही है या नहीं निकल रही है, और ये सब हमको तो चेयर पर बैठे हुए ईशान भाई का भी सही है यार, इतने में मोटा नहीं बोल सकते। पर देखो यार तुम फिर वो रेसिस्ट वाला टेक मत लगा देना, बट हाँ इतना तो मेरे को बॉडी करना है तो नहीं। मेरे को लग रहा है सारे गेमर्स मोटे क्यों कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता गेमर्स मोटे होते हैं। गाइस मोटे होते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में बता रहा आपको। नहीं ये तो रेसिस्ट हो जाएगा ना थोड़ा, बट तो ठीक है थोड़ा अच्छे से प्यार से शुगर कोट करके बोलती हूँ। आप बताना सबसे फिट गेमर कौन कौन से आपको लगते हैं?
ठीक है। और दूसरा, अगर हम अगर मोटा ना बोल करके हेल्दी वर्ड यूज करें, सो दूसरा सबसे हेल्दी मतलब मोटा गेमर कौन है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। रेसिस्ट नहीं होने का, जस्ट फॉर फन, लेकिन बस इतना ही, किसी को ट्रोल नहीं करना, ठीक है गाइस। तुम कांडी चिमकांडी, मेरे को लगता है गेमर्स पता चला कमेंट में आ रहा तुम सबसे मोटी हो वो तो उसको पाप लगेगा क्योंकि ये सरासर झूठ है। अगर पतले होते नहीं तो थोड़ा मोटा ही होगा भाई। मैं गेमर में बहुत ज्यादा पतला हूँ, पता नहीं मैं खाना भी इतना खाता हूँ भाई, बात ही मत पूछो यार, फिर भी बॉडी नहीं बन रही है। दाढ़ी होगी क्या उसको? नहीं नहीं उसको कुछ नहीं है, बस भाई दाढ़ी से मेरी अच्छी वाली आती है, ठीक है। यस हाँ, यूट्यूबर में ईशान भाई का जो दाढ़ी आता है वो सबसे सही है, बाकी भाई मेरे को तो सही। यूट्यूबरों में कैरी मिनाटी की दाढ़ी सबसे अच्छी आती है, इसे बियर्ड नहीं आ रही है। मैं 21 का हूँ और मेरे को बियर्ड आना अभी 1-2 साल से स्टार्ट हुआ है, बट मुझे लगता नहीं है कि सही से आएगा मेरे को बियर्ड, यहाँ पे है थोड़ा बहुत। और मुझे टोटल गेमिंग को दाढ़ी नहीं आई है ये, बाकी तो खैर अभी छोटे हैं ना, जब बड़े होंगे तो आएंगे भाई। इम्पॉसिबल है मेरे को लगता है, मेरे को सही बियर्ड आना, बट क्या पता आ भी जाए, बाकी देखते हैं। एज क्या लगता है, क्या होगा, शादी हो गई होगी? मुझे तो लग रहा है 2 बच्चे। ये यार विकास भाई यार कुछ भी बोलते हो यार, 2 बच्चे मतलब मेरे से ये देखो मुझे लगता है तेरी से भी छोटा होगा। और विकास भाई बोल रहे हैं मैं ईशान भाई से भी ज्यादा एज में रहेगा, तुम जरा सोचो ईशान भाई का एज है 27 या 28, और अगर मैं उनसे एज में बड़ा हूँ तो मैं 33-34 का बोल रहे लोग, 2 बच्चे का बाप बना रहे हैं मेरे को भाई। मैं अभी इस एज में शादी का सोच भी नहीं सकता यार, हद हो गई। मेरे को विकास भाई के ऊपर से ना भरोसा उठता जा रहा है, बट देखो बाल भी बाल कटवाना चाहते हैं ये लोग। मेरे को लग ये देखो विकास भाई का अलग ही चालू है। चश्मा पहन दोगे अपने जैसा? ऑब्वियसली भाई गेमर, मैंने देखा है उसको चश्मे में, चश्मा तो सबको लग रहा है पहनता होगा। हद हो गई यार, होगा चश्मा भाई, मेरे को भी चश्मा लगाना है तभी मैं गेमर कहलाऊंगी, ऐसे नहीं होगा। ऐसे मुझे लग रहा है मेरा विकास नहीं होने वाला है, मुझे चश्मा पहनना है, अब मुझे प्रो गेमर दिखना है। जैसे क्लास में होता था ना जो चश्मा पहनता था वो थोड़ा पटाखू टाइप का और थोड़ा एजुकेटेड लगता था, तो लड़कियां सोचती थी हाँ ये चश्मा पहन करके आया है तो पक्का ये पढ़ा लिखा होगा। वैसे ही गेमर में हो गया, जिसको चश्मा है ना वो प्रो गेमर है, वही गेमर है। तो मैं तो वही चश्मा खरीद रही हूँ, अब मुझे वही प्रो बना सकता है। ईशान भाई भी पहन के आए है गोगल्स, फिर विकास भाई ने भी पहना है, और वहाँ पे सेट पे और भी लोगों ने पहना था तो मैंने भी पहन लिया, फिर ऐसा था। सिटी कौन सी रहता होगा? गुजरात का इतना पता है, अहमदाबाद सूरत क्या लगता है कहाँ होगा? भाई मैं पहले ही बता दूं, विकास भाई को मैंने सिटी बता के रखा था जब मैं मुंबई जाने वाला था, तो मेरे को टिकट बुक करना था और उस टाइम पे मैंने विकास भाई को बताया था मैं सूरत से हूँ। तो विकास भाई अगर यहाँ पे देख लो, अभी लोकेशन नहीं बताई बट सूरत रहेगा। देखा ना, मेरे को पता था ये विकास भाई तो बोलेगे क्योंकि मैंने इनको बता के रखा था अहमदाबाद होगा वो। भाई ईशान भाई को आई थिंक विकास भाई ने नहीं बताया कि मैं सूरत से हूँ। बढ़िया, अच्छा किया। लास्ट सबसे अजीब सवाल, उसका रियल नेम अजय है या नहीं? भाई मुझे okay. मैं तो गेस कर सकती थी जो अजय हो सकता है, जस्ट बिकॉज अजेंद्र होगा। देखो गुजराती का जो अजय होगा ना उसका अजेंद्र हो जाता है, जीतू का जितेंद्र हो जाता है, तो ऐसे ही मुझे लगता है अजय होगा तो अजेंद्र होगा, इतना मैं गेस कर सकती हूँ। इतनी तो स्मार्ट हूँ मैं और इतने मैंने गुजराती फ्रेंड्स है मेरे, तो इतना तो मैं गेस करता। मैंने विकास भाई के साथ टिकट बुक करते हुए बातचीत किया था, तो जाहिर सी बात है उनको मेरा रियल नेम पता है, तो इस वजह से बोल रहे रियल नेम तो नहीं होगा। ये देखो ये कितने हरामी है विकास भाई, इसलिए मुझे भी नहीं लगता रियल नेम होता है। क्या होगा रियल नेम? ऐसे ही होगा कुछ तो, ऐसे ही होगा भाई, सब पता है विकास भाई को। हाँ, विजय भी हो सकता ना, अजय का विजय। अच्छा मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है, मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने इन दोनों भाई को पूछा कि तुम लोग गेस करते हुए वीडियो बनाओ, ये सबसे बड़ी मिस्टेक भाई मेरी लाइफ की मेरे को लगती है, क्योंकि इन दोनों ने एकदम मजाक में ले लिया सवालों को, क्या बोलूं मैं। चलो आ जाओ अभी एक नेक्स्ट गेस वाले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और अभी देखेंगे हम लोग फौजी भाई ने क्या गेस किया, और उसके बाद देखेंगे कि अमित भाई ने क्या गेस किया था। तो अब बारी है फौजी भाई की, और देखते हैं फौजी भाई ने मेरे बारे में क्या गेस किया था। तो गाइस पहले बोल दूं मैं, हाय अजू भाई कैसे हो आप? कैसे हो फौजी भाई? सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपकी आवाज, आप इस गोले के ही नहीं हो, मैं एलियन हूँ। आवाज आपकी है, आपने कितने लोगों को पागल करके रखा हुआ है, सब आपके फ्रेंड है, हर देश भर में कोने कोने सबके सब फ्रेंड्स है, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आवाज से तो आपकी जो सब कुछ, क्योंकि जो गेस करने के जो चीज है ना उसे फिर आपके आवाज है। इवन रोमियो जब मेरे को मिला ना तब मेरे को बोल रहा था जी भाई आपका आवाज भी नकली होगा, ऐसा मैंने सोचा था, बट आपका आवाज रियल है। हाँ, मैंने भी सोचा था आवाज नकली होगा।
लेकिन चलो मैं फिर भी बात करूं, अगर मैं बात करूं आप थोड़े मोटे हो गए नहीं होगे, तो देखो आप गुजराती हो, थोड़े से तो हेल्दी डेफिनेटली होने वाले, क्यों गुजराती है तो जेठालाल निकलेगा अंदर से, ये सोचे थे। ओ भाई देख रहे हो गाइस, सोच देख रहे हो सबकी, गुजराती है तो जेठालाल जैसे निकलेंगे, थोड़े हेल्दी होंगे। ऐसी बात नहीं है एकदम सुकड़े से मुझे दिखने वाले हो, ये क्या बात हुई, मोटा और पतला का बातचीत हुआ था ये तो बीच में, हाँ हेल्दी हो गए भाई यार फौजी भाई, इतना भी मतलब फौजी आज की वियर्ड अच्छी है, कितना पॉलिटिक्स इसमें, इसमें भी मतलब डिप्लोमेटिक यार हद हो गई। तो मेरा फर्स्ट गेस हेल्दी रहने वाला है, हाँ, सेकंड ये तो आपकी मुझे लगता है इतनी आने वाली है क्योंकि गुजरातियों की बियर्ड मैंने कम देखी है, तो इतनी ज्यादा बियर्ड नहीं होगी, होगी तो हल्की फुल्की आ रखी होगी। हाँ मेरे को हल्की फुल्की सी बियर्ड आई है थोड़ी सी, समझ रहे हो, तो एक पॉइंट मिला फौजी भाई को। उसके अलावा मैरिड और नॉट मैरिड, तो देखो अभी तक शायद आप मैरिड नहीं हो, मेरा ये कहना है, बाकी अगर छुपे रुस्तम तुम हो यार, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन छुपा के रखा हो किसी को पता नहीं है, यू अनबॉक्सिंग मीट माय वाइफ। फौजी भाई का तीसरा गेस मेरे ख्याल से ये वाला गेस भी सही है, मैं मेरिट तो नहीं हूँ इसका, अगर मैं बात करूँ रियल नेम अजी होगा कि नहीं होगा, दिस इज डाउटफुल केस, कुछ और हो सकता है लेकिन मैं चाहता हूँ अजी होगी। ए, मेरे को ये बताओ फौजी भाई, आपने कहीं पे मेरी कुंडली निकलवाई थी क्या कि मेरा रियल नेम क्या होगा ये सब, क्योंकि आप जितने भी गेस का सवाल दे रहे हो गेस करते हुए वो सब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको मेरे बारे में पता है, और ये वाला भी देखो डिप्लोमेटिक मतलब कि कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है ऐसा कुछ तो कह रहे हैं। मेरा नाम भी अजय है तो काश अज्जू भाई का नाम भी अजय ही निकले, सबसे बेस्ट चीज होने वाली है। इसके बाद में अहमदाबाद अदर सिटी, आप अहमदाबाद तो नहीं मतलब अहमदाबाद के आसपास रह सकते हो, अभी करंटली अहमदाबाद शिफ्ट हो गए तो अहमदाबाद के आसपास रह, तो सूरत के नियर बाय मतलब। ओ भाई ठीक है, फौजी भाई को एक चीज नहीं पता है बट मैं फौजी भाई को जब मेरे को मिले थे ना होटल में तब मैंने बताया था, और फौजी भाई सबसे ज्यादा शौक थे मेरी एज सुन के, क्योंकि जब मेरे को उन्होंने एज पूछा और मैंने बोला मैं 21 का हूँ, तो मतलब वो सदमे में थे, और लाइक सदमे में क्यों थे मैं उसका भी रीजन बताता हूँ। जब हम लोगों ने टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स का बूट कैंप किया था वो सूरत में था, और मैं भी सूरत से था, और मैं चाहता था फौजी भाई के साथ बूट कैंप में जाके मिलूं, बट आइडेंटिटी इशू कि मेरे को आइडेंटिटी बिल्कुल छुपा के रखनी थी, इस वजह से मैं नहीं मिला, बट टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स का बूट कैंप सूरत में था। और उसके बाद हमारा जो स्पोर्ट्स टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ था ना वो 2019 या 20 में स्टार्ट हुआ था, और 2020 में मैं कुछ 17 साल का ही था, मतलब कुछ नहीं मेरे ख्याल से 17 का ही था, और मैं 17 साल की एज में टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, तो इस वजह से ना फौजी भाई कुछ ज्यादा ही सदमे में थे, और मेरे को बोल रहे थे कि भाई तुम गुजराती हो तो मतलब इतना भी मेरे को सदमा नहीं लगना चाहिए, बट हाँ 17 साल की एज में तुम स्पोर्ट्स चला रहे थे, तो हाँ वो वाला बातचीत था, बाकी देखते हैं आगे। ऐसा कुछ है प्रॉपर आप सिटी में नहीं रहोगे, किसी के आसपास आप जो बिलोंग आप वहां कर रहे होंगे, और गूगल सुन नोट गेमिंग करते करते गूगल से लगा लेने डेफिनेटली पड़ते होंगे, हर गेमर से लगा तो आपको भी हल्के लगाने पड़ेंगे, चाहे वो नंबर के ना हो बट गेम खेलते हल्के लगाने पड़ेंगे। पांच गाइस पांच जीनियस बंदा फौजी भाई ने, कैसे ये बेस्ट एचसीएल, मानो या ना मानो फौजी भाई ने कहीं ना कहीं से मेरी मतलब समझ रहे हो दिमाग देख रहे हो कहां कहां तक कुंडली निकलवाई है, और उसके बाद जितने भी गेस करे मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट मिले होंगे ना फौजी भाई को मिले होंगे, हर एक गेस एक्यूरेट है, और बाकी सब जिसमें उनको इधर उधर लगा उसमें डिप्लोमेटिक खेल गए, हेल्दी हो गए, और उसके अलावा भी एक सवाल का जवाब डिप्लोमेटिक दिया था, बट फौजी भाई के सभी गेस मेरे ख्याल से एक्यूरेट थे। तो ये मेरा भाई बताना आप रिव्यू है, मेरा रिव्यू है, हद हो गई फौजी भाई, बट ठीक है, आई होप गाइस फौजी भाई ही इस जो है वो जीतने वाले हैं, चैलेंज के विनर बने, बाकी अभी हम देखते हैं अमित भाई ने क्या गेस किया होगा। अमित भाई देखो मेरे साथ डेली खेलते हैं, और मेरा और अमित भाई का रिलेशन मतलब भाई वाला है, समझ रहे हो, स्टार्टिंग से ही मैं अमित भाई का दोस्त हूँ, तो इस वजह से मेरे को अमित भाई से काफी उम्मीद है कि अमित भाई जितने भी गेस करेंगे वो सही रहेंगे, तो आ जाओ अमित भाई के गेस देखते हैं। सो गाइस फाइनली आफ्टर 5-6 इयर्स ऑफ वेटिंग अज्जू भाई अपना फेस रिवील करने वाले हैं, और से पहले मैं अज्जू भाई से मिलने वाला हूँ, और मुझे मिलने से पहले अज्जू भाई ने कुछ क्वेश्चंस दिया है जिसका मुझे आंसर गेस करके देना है, तो अज्जू भाई ने मुझे यहाँ पर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस दिया है, ठीक है, जैसे कि हाइट क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से अज्जू भाई का हाइट हो सकता है गाइस 5'10", स्किन टोन भाई बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल मेरी तरह हो सकते हैं, नहीं स्किन टोन अलग है, बॉडी अजीबे का पतला हो सकते हैं, मुझे लगता है अजीबे हर बार ना कंप्लेन करते हैं अपनी बॉडी को लेकर, तो अजीबे पतला हो सकते हैं, बियर्ड गाइस गुजराती लोगों का ना बियर्ड होता है, तो मैं एक मिनट यार फौजी भाई वहाँ बोल रहे गुजराती लोगों का बियर्ड नहीं आता, यहाँ पे अमित भाई बोल रहे कि गुजराती लोगों का बियर्ड होता है, मतलब तुम समझ रहे हो गुजरात के बारे में सबका अलग अलग पीओवी है, बाकी मेरा तो गुजरात के बारे में एक ही पीओवी है कि गुजरात बहुत तेजी से बढ़ रहा है अभी तो। हाँ, गुजरात बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और गुजरातियों के जो नाम होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लाइक जितेंद्र हरेंद्र और क्या हेतल किंजल, ये सारे नाम जो है वो रिपीट होता रहता है, तो ये सारी चीजें इसलिए है जिस बिकॉज ये टीवी में ऐसा दिखाते हैं, बट
एग्जैक्टली में इससे बिल्कुल उलट हो सकते हैं तो ज्यादा ही होगा, मेरा कम है, मेरे से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वेट मेरे हिसाब से एग्जैक्ट में बोल दू 50 से 55 के बीच में, तो मैं 53 पकड़ता हूँ। ठीक है, नहीं मेरा वेट है 58, बट अच्छा गेस था 53 पकड़ता हूँ। एज मेरे हिसाब से 25 मैरिड भाई, 25 का लगता हूँ मैं किसी भी एंगल से 25 भाई, ठीक है अनमैरिड। फिर मैं सोचू मतलब सदमा होना भी चाहिए वहां पे आने के बाद, क्योंकि एज सब लोग गेस करके आए 25 26 27 24, तो 24 भी कोई गेस कर लेता मैं मान जाता, 25 26 27 गेस करके आए थे, तो हाँ ये बनता है, मतलब थोड़ा शोक होना तो बनता है मिलने के बाद। मैरिड अजीब है, मैरिड थोड़ी ना होंगे यार, रात भर तो मेरे साथ रैंक पुश करते थे वो भाई। ये बहुत सही जवाब था। गॉगल्स और नॉट भाई, अजीब चश्मा पहनते हैं, अजीब ने बहुत बार लाइव पे भी बोला है। हाँ देखा, अमित भाई ने जो लाइव वाला बोला ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और 24 आवर लाइव स्ट्रीमिंग करी है रैंक पुश के टाइम पे, तब मैं गूगल्स पहनता हूँ, और अगर 7-8 घंटे भी गेम खेलता हूँ तब भी गूगल्स पहन लेता हूँ, ब्लू लेंस वाले, तो नंबर तो नहीं है बट ब्लू लेंस के तो मैं पहनता हूँ। अहमदाबाद या अदर सिटी, देखो मुझे तो लगता है कहाँ रहते हैं बट मैं ऐसे बोल नहीं सकता, बट अजीब हर बार अहमदाबाद। हाँ अमित भाई को मेरा ना सिटी पता है, क्योंकि एक बार मैंने अमित भाई के सामने अपना अमेजोन अकाउंट लाइव किया था, मतलब स्क्रीन लाइव कर रहा था तब दिख गया था मेरा सिटी, तो हाँ अमित भाई को पता है। अहमदाबाद अहमदाबाद बोलते थे और आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया बिकॉज वो अहमदाबाद में नहीं रहते हैं। ठीक है, बाकी मैं कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं बोला गया है। और लास्ट क्वेश्चन, बहुत सही संभाला अमित भाई ने, मेरा नाम अजय होगा कि नहीं भाई। मेरा ये मानना है कोई बंदा दूसरे बंदे का नाम अपने नाम में नहीं डाल सकता, भला अपने नाम को थोड़ा सा तोड़ मरचोड़ के लाइक बीच का कोई वर्ड निकाल के इस तरह से अपना नाम रखता है, तो मेरे हिसाब के अकॉर्डिंग अजय का जो नाम है उस नाम के बीच में अजय होगा ही होगा। नहीं है, अजिंद्र नाम के अंदर कहीं पे भी अजय नहीं है, बट मेरे को घर में सब लोग अजय बोलते हैं, फिर मतलब मैं ट्यूशन जाता था तो वहां पे भी मेरे को अजय बोलते थे, बाकी स्कूल वगैरह बाकी सब जगह। हाँ गुजरातियों के नाम में भाई भी होता है, मोटा भाई अब मेरे को अजेंद्र बोलते थे, तो मैंने अजय इसी भाई तब लगा का भाई ये नाम रखा, और गेम के अंदर तो मैंने ऐसे ही अज्जू भाई किसी का भाई किसी का जान दिया था, अज्जू भाई नाम रखते इस टाइप से, क्योंकि यार कोई बंदा दूसरों का नाम ऐसे उठा के अपना नाम में डालना कोई पसंद भी नहीं करता, तो मेरे हिसाब से हाँ अजय का रियल नाम अजय है। नहीं है कि वो मिडल में कहीं है, सामने कहीं है, पीछे कहीं है, बट हाँ होता है, और गुजराती लोगों में तो ऐसे नाम होता ही लाइक सुरेश भाई वल्लभ भाई ऐसा सब होता है ना, तो बीच में बट या। तो ये क्वेश्चंस था गाइस, फेस रिवील हो गया है अब तक, तो जाके देखो कैसे लगा बताना, और मेरा गेस कितना एक्यूरेट हुआ ये भी बताना भाई। गेस अमित भाई के भी काफी एक्यूरेट थे, बट मेरे को लगता है फौजी भाई विनर बने होंगे। बाकी मैं एडिटिंग के टाइम में ना पॉइंट काउंट करके ना स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा, तो हमको पता लगेगा, और कमेंट करके भी बता देना कौन जीता है। बाय द वे अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा फेस रिवील वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी देख लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बाकी मिलेगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, लाइक।